मैम ये जानना चाहूँगा, बात करते हैं कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जब फ्रॉड हो जाते हैं, तो श्योरिटी की बात करते हैं, क्या है पर कुछ ऐसा होने वाला? श्योरिटी के लिए बताना चाहूंगी आपको कि ये हमारा फुली पेड लैंड है, इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो चुकी है और ये एलडीए रेरा अप्रूव्ड है, तो फ्रॉड की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे जी। हाँ, वो जैसे लोन उनकी व्यवस्था है कि नहीं? हाँ जी, कैनरा HDFC से अप्रूव्ड है हमारा जी, तो आराम से आपका लोन हो जाएगा, EMI में हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों बात करें तो सभी लोगों की जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा का तो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो में देखने के बाद आप लोग का मकान की व्यवस्था जरूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, मैं आपका दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने वाला। ये ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जैसे कि बात करें हर पर्सन की जरूरत है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अब क्या क्या नीड होती है सारी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसा आप लोग देखते होंगे कि ये सबकी नीड होती है, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाया गया है। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं कीर्ति मैम। तो दोस्तों देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है कीर्ति मैम। नमस्ते मैम, क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। कैसी हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बताइए। हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो कि ब्लेस्ड लाइट के नाम से है। अच्छा अच्छा। जो कि 2 BHK अपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट। अच्छा है, अच्छा। जो कि आपको सुशांत गोल सिटी में मिलेगा। अच्छा। सुशांत गोल सिटी की लोकेशन मतलब आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा है। और इसके जस्ट सामने आपका बन रहा है अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी बन रही है। बात करें इस प्रोजेक्ट से कितना दूरी हो गई? ये अटल बिहारी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा। वॉकिंग डिस्टेंस होगा जी जी। अच्छा। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा लुलु मॉल, जो कि हमारे यहाँ से बहुत ही पास के लोकेशन पे पड़ जाएगा। अच्छा। इकाना स्टेडियम हो गया, प्लासियो हो गया, ये सब आपको नियर बाय लोकेशंस पे ही मिलेगा जी जी, जी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल पास में मिलने वाला। हाँ, एजुकेशन बड़ा मस्त रखता है, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पे आपको DPS मिल जाएगा, LPS है, GD गोयनका है, ये सब हमारे टॉप के स्कूल्स हैं जो आपको नियर बाय लोकेशंस पे ही मिलेंगे और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये सारे। अच्छा अच्छा जी जी। तो दोस्तों ये सारा कुछ आपको पास में ही मिलने वाला। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में, जैसा कि मुझे पता चला है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इसमें पार्क मिलने वाला है, जिम मिलने वाला, तो इसके बारे में डिटेल से जानकारी दीजिएगा। हम 4 एकड़ के लैंड पैच, 4 एकड़ जी जी, 4 एकड़ के लैंड पैच में हम 4 टावर बना रहे हैं। अच्छा। जो कि हमारा 40% कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा और 60% पे हम ओपन एरिया दे रहे हैं। अच्छा। ये प्रोजेक्ट हमारा, इसकी खास बात ये है चारों तरफ से ओपन है ये प्रोजेक्ट, और इसमें हम आपको जो है क्लब हाउस दे रहे हैं, 3 फ्लोर्स का है, जो कि हमारा 5,500 square feet का है। अच्छा अच्छा जी। उसमें हम आपको काफी सारी एमिनिटीज दे रहे हैं, जैसे आपका स्विमिंग पूल हो गया। अच्छा। प्ले कोर्ट हो गया, बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, जिम है, ये सब एमिनिटीज आपको मिलेंगी क्लब हाउस में। इसके अलावा हमारे पास 10,000 square feet पे हमारे पास गार्डन एरिया आएगा, जिसमें हम छोटे बच्चों के लिए मड ग्राउंड दे रहे हैं। अच्छा। और उसमें हमारे पास मेडिटेशन पवेलियन भी रहेगा। अच्छा। उसके अलावा जो सबसे खास बात होती है हमारे प्रोजेक्ट की, उस पर हम आ जाते हैं, जो की हमारे EV चार्जिंग स्लॉट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज जो जिसको बोला जाता है, वो हमारे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है जी। जी सर, खास बात इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं वो बहुत ही रेयर आपको अपार्टमेंट्स में मिलेंगे, और हमारे अपार्टमेंट्स में आपको इतने कम बजट में इतने अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज जो है वो मिल रहा है। ये जानना चाहूंगा, बात करते हैं कि बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जब फ्रॉड हो जाते हैं, तो श्योरिटी की बात करते हैं, क्या है पर कुछ ऐसा? श्योरिटी के लिए बताना चाहूंगी आपको कि ये हमारा फुली पेड लैंड है, इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो चुकी है और ये LDA रेरा अप्रूव्ड है, तो फ्रॉड की कोई बात नहीं होती है यहाँ पे जी। मतलब कह सकते हैं जो भी हमारे व्यूअर रहेंगे जी, जी। बेहिचक, बिना कुछ कंफ्यूजन के यहाँ पर आकर के परचेजिंग कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अंदर चला जाए देखने जी, के लिए जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो दोस्तों जिस फ्लैट को देखने के लिए आप लोग को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए, आपको लाइव दिखाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपसे माफी चाहेंगे कि अब ये इनकम्प्लीट है, कम्प्लीट नहीं, थोड़ा प्रोसेस में है, लेकिन हाँ इतना विश्वास जरूर दिखाऊंगा कि ये देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा सेटअप होने वाला। मैम चाहूंगा थोड़ा बारी बारी से पूरा डिटेल इसके बारे में बताते चलिए। जी जी। ये यहाँ पे हम मैसिव डोर देंगे, जो कि एक काफी बड़ा दरवाजा लगा के देंगे। अच्छा। उसके बाद हमारा जो आ जाता है ये लिविंग डाइनिंग एरिया, जो कि 245 स्क्वायर फीट का रहेगा। अच्छा, जिसके साथ हम एक बाल्कनी अटैच दे रहे हैं, जो कि हमारी 5 फीट की रहेगी। 5 फीट मतलब इसका ये एरिया, बड़ी बाल्कनी हम दे रहे हैं, इसमें आप आराम से कॉफी टेबल डाल के बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़ी बाल्कनीज है हमारी। जी जी जी। आगे बात करें तो आगे क्या होने, आगे बात करें तो ये हमारा डाइनिंग एरिया
है, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल डाल के बैठ सकते हैं। इसके जस्ट सामने हमारा किचन है। अच्छा, जो कि इसमें आपको सारे यूटिलिटी एरियाज मिलेंगे। किचन के देखिए सारे आपको फंक्शन मिलने वाले, जो भी रहता है, जैसे बात करते हैं देख सकते हैं आपको। प्लस देखिए यहाँ पे अभी देखिए, मैं पहले आपको बता दिया कि इनकम्प्लीट है, जितना पूरा सेटअप होना चाहिए प्रॉपर तरीके सारा कुछ आपको मिलने वाला है। बाकी देख सकते हैं फीचर से बात करें, आपको बताया था ये ग्रेनाइट का कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और आगे बात करते हैं तो देखिए किचन का एरिया भी कुछ ज्यादा ही होने लगा। कितना एरिया किचन का? 8x8 का है ये हमारा। 8x8 का समझ सकते हैं, कहीं ऐसा होता है कि 8x8 का रूम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8x8 में पूरा एक किचन देखने को मिल जा रहा है। ये हमारा गेस्ट रूम हो जाएगा जो कि 132 स्क्वायर फीट का रहेगा। अच्छा, इसमें साथ में आपको वार्डरोब मिलेगी। इस रूम के साथ हम एक अटैच बालकनी दे रहे हैं जी, जो कि हमारी एल शेप की रहेगी, आप देख सकते हैं। ये एल शेप की बालकनी हम दे रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं तो बहुत हमारे व्यूअर के ऐसा होता है कि जब वॉशिंग कपड़े पूरे धोते हैं तो खाने की भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, यहाँ हमने आपका एक स्विच पॉइंट दिया हुआ है जो कि हमारा आप वॉशिंग मशीन आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे, और ड्रेनेज सिस्टम भी आपका यही साथ में रहेगा, आराम से आप कपड़े धो के यहाँ पे सुखा सकते हैं। ये वायर किस चीज का, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ये यहाँ पे ये अटैच होगा ना। अच्छा, तो ये स्विच आएगा यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए। तो मतलब समझ सकते हैं फीचर्स होता है ना, उसका पूरा ध्यान रखते हुए इस मकान को बनाया जा रहा है। बाकी मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं। जी जी, अगली यहाँ पे देखिए कुछ आपको एरिया मिल जाता है। और ये क्या किचन है? ये हमारा वॉशरूम हो गया। वॉशरूम है देखिए, अभी आप देख सकते हैं इसकी स्पेस जी, काफी बड़ा आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। बाकायदा टाइल्स के साथ मिल जाता है। बाकी फिर देख सकते हैं ये ग्रेनाइट का आपको मिलने वाला, ऐसा नहीं कि कुछ चालू काम किया, जो भी आप प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम जी देख सकते हैं, इसका एरिया कितना होने वाला है? इसका भी एरिया 133 स्क्वायर फीट का है। 133 स्क्वायर फीट का। बाकी देख सकते हैं आपको बकायदा डोर देखने को मिल जाता है, वार्डरोब आपको साथ में इसकी मिलेगी। इसके भी साथ आपको एक बालकनी मिलेगी, ये भी बालकनी हमारी 5 फीट की रहेगी। अच्छा, इधर हाँ बालकनी, कितना बालकनी आप देख लीजिए 5 फीट का। बाकी इधर से देख के अपन आराम से मतलब बाहर भी आके आप अच्छा खासा एकदम टाइम पास भी कर सकते हैं। अंदर देख रहा हूँ ये क्या, थोड़ा सा ये सर हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम काफी बड़ा वॉशरूम बनाया है हमने। अच्छा, सबसे अच्छी बात देखिए अभी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एसी का जो वायर और होता सारा कुछ यहाँ पे अभी इंक्लूड कर दिया गया, ताकि आगे फीचर्स में अगर आपको जरूरत पड़े एसी का तो उस चीज का पछतावा नहीं रहने वाला। जी जी, एसी वगैरह की फिटिंग्स वगैरह हमने सब करके दी है कि आपको आना है और रहना है, कुछ तोड़फोड़ नहीं करने की जरूरत है आपको। अब सब कुछ हम लोग देख लिया, अब बात आती कीमत की, तो कीमत क्या होने वाली? कीमत सर इसकी 55,44,000 रुपए। 55,44,000 जी जी हाँ। वो जैसे लोन उनकी व्यवस्था है कि नहीं? हाँ जी, कैनरा HDFC से अप्रूव्ड है हमारा जी, तो आराम से आपका लोन हो जाएगा, EMI में हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल। देखिए सारा कुछ एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, जब ज्यादा जानकारी के लिए जो डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश करा उस पर जब कॉल करेंगे तो यहाँ के जो इम्प्लॉय रहेंगे पूरा बारीकी से आपको डिटेल्स बता देंगे कि किस तरीके से जमीन लेना है या फ्लैट लेना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। बात करें जो डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश करा उस पर जब कॉल करेंगे तो पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होने वाला है, फ्लैट को लेने के लिए क्या प्रोसेस होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।